तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका विशेष रूप से। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में हम वाई के कुछ खास तथ्यों के बारे में जानेंगे। ऑलराइट, जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि हमारे पास टोटल जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं 26 लेटर्स, उस 26 में से आपके 5 वॉवेल्स होते हैं, राइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वाई उसमें एक ऐसा लेटर होता है जिसे हम सेमी वॉवल्स के नाम से जानते हैं, और सेमी वॉवल्स इसलिए कहते हैं कि यह लेटर आपका कभी वॉवल्स के रूप में काम करता है तो कभी कॉन्सोनेंट के रूप में काम करता है, राइट। तो यह वॉवल के रूप में काम करता है जब, तो यह कई मात्राएँ बनाता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे छोटी ई, बड़ी ई, आई या फिर आय के रूप में, ऑल राइट। लेकिन जब यह कॉन्सोनेंट के रूप में काम करता है तो यह पढ़ा जाता है, ऑल राइट। तो आखिर कब जो है ये वॉवल के रूप में काम करता है ये जान जाएं अगर आप, तो आप आसानी से यह भी जान जाएंगे कि यह कॉन्सोनेंट के रूप में कब काम करता है, ऑल राइट। तो आइए हम ज़रा से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ गाइस एक चीज़ें क्लियर कर लेना है हमेशा के लिए, और अगर आपने इस चीज़ को क्लियर कर लिया तो आसानी से आपकी छुट्टी हो जाएगी, कब आपको वॉवल पढ़ना है ये जानकारी हो जाएगी, ऑल राइट। तो कैसे जानकारी रखना है कि जब भी यह जो वाई होता है गाइज, यह किसी शब्द के बीच में आए या फिर शब्द के अंत में आए, राइट, तब हम इसको वॉवल्स के रूप में पढ़ते हैं, मतलब या तो छोटी ई या बड़ी ई या फिर आई या फिर आय के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। और याद रखें कि शब्द के बीच में या अंत में वाई है तो वाई के पहले कोई भी अन्य वॉवल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे एक लिखा हुआ है सिंबल, राइट। तो सिंबल में आप देख रहे हैं कि यह जो है आपका शब्द के बीच में वाई आया है, दिख रहा है कि नहीं। तो शब्दों के बीच में वाई आया है और वाई के पहले कोई वॉवल, कोई दूसरा वॉवल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसे वॉवल के रूप में पढ़ रहे हैं, छोटी की मात्रा के रूप में सिंबल में आप देख सकते हैं, राइट। दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे मिस्ट्री है ना, तो मिस्ट्री में ये भी वाई पहला वाला जो है ये आपका शब्द के बीच में ही है और इसके पहले कोई वॉवल नहीं है, और आर के बाद में यहाँ पर आपका वाई है और वाई के पहले कोई अन्य वॉवल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इस वाई को बड़ी ई की मात्रा के रूप में, हम मिस्ट्री ट्री में बड़ी ई की मात्रा का यूज किए हुए हैं, राइट, है ना। चाहे ये बड़ी ई की मात्रा मान लीजिए, चाहे आपका ये बड़ी ई की मात्रा मान लीजिए, दोनों एक ही बड़ी ई की मात्रा है, राइट। और छोटी ये आपका जो है छोटी ई की मात्रा है ना, और बड़ी ई की मात्रा आप जानते हैं एक तो ऐसी भी होती है ना। तो ये भी आप क्लियर कर लिए हैं, क्लियर। अगला हमारा एक वर्ड यहाँ पे है आपका क्राई, ठीक। तो क्राई में भी आप देख रहे हैं कि सी आर वाई, वाई के पहले कोई वॉवल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी वाई जो है गाइस यह भी आपका एक वॉवल के रूप में ही काम कर रहा है, राइट। अब अगला हमारा एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे टायर है। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे आई जैसा आपका ये आपका वॉवल के रूप में काम कर रहा है, क्राई में आई जुड़ा हुआ, क्र धन आई बराबर क्राई, यही ना होगा। और अगला हमारे यहाँ पे टायर देखेंगे आप, टायर में आप चेक करें अगर ध्यान से, तो यहाँ भी टी के बाद वाई है और वाई के पहले कोई भी अन्य वॉवल नहीं है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे भी यह आपका वॉवल के रूप में काम कर रहा है और इसे यहाँ पे आय जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक। जैसे ट धन आयर बराबर टायर है ना, तो आय जैसे हमारा यहाँ पर वॉवल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक। तो ये तो हो गया वेरी सिंपल। अब याद रखिएगा कि जहाँ भी कहीं वाई जो है गाइस यह आपका य की ध्वनि दे रहा है, वहाँ पे वह जो है आपका कंसोनेंट के रूप में काम कर रहा है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल इसके ले सकते हैं आप, योर हो गया, यू हो गया, योगेश हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे जो है लेटर, ओवरऑल ये शब्द जो हैं ये आपके कॉन्सोनेंट और वॉवल को डिफ्रेंटिएट करता है, राइट, अंतर बताता है दोनों में, ठीक है। तो गाइज ये है आज के वीडियो में था, और यह बहुत ही ज़्यादा रोचक जानकारी थी जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आप इसका प्रयोग कहीं भी किसी क्लास में या कंपटीशन में यूज़ करें, कहीं पे भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, राइट। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन याद रखें कि आप अगर प्रॉपर पढ़ाई करना चाहें तो इस चैनल पर कंटिन्यू हो जाएं, मैं आपको ऐसे ही तमाम जानकारी इंग्लिश ग्रामर की स्पेशली देता रहूँगा, और कभी कभी हिंदी के ग्रामर की भी जानकारी मिलती रहेगी आपको।
साथ में अगर आप स्पोकन प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करना चाहें तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के एक लिंक दिया गया है स्पोकन क्लास का, उस पर भी आप टच करके उस वीडियो को भी देखकर आप अपनी स्पोकन को स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज याद रखें, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तभी आप वीडियो कंटिन्यू देख पाएंगे, मतलब आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आप कंटिन्यू वैसे भी देख सकते हैं लेकिन इस तरह से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आसानी से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।